इस पार्ट में पिछले दो पार्ट्स की आगे की स्टोरी को बताया गया है। चलिए अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होते ही चार कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों इसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। इन फ्रेंड्स में वहां पर ट्रे नहीं होता जिस पर एलेक्स इसे ढूंढने जाती है और पीछे से सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी इनकी तरफ एक तीर आता है जो आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर आता है और सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। इसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहां पर आ जाती है। तब थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। इसे देखकर वो फौरन ही छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहां पर आ जाता है। वो थ्री फिंगर इस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है लेकिन थ्री फिंगर इसे भी पकड़ के मार देता है और ब्रेंट भी इस म्यूटेंट का शिकार बनकर इनके ट्रैप में फंस जाता है। और फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी तीन पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। टोटल कैदी पांच थे जिनमें से एक शैविस था। शैविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था और ये सब कुछ इसी के लिए हो रहा था। इनका ट्रांसफर दो हफ्ते बाद होना था लेकिन पुलिस को पता चलता है कि शैविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और शैविस को छुड़वा कर ले जाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया। अब इनका नया रूट वो खतरनाक वे था यानी के पेपर मिल रोड। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहां से चल पड़े हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और जहां पर इन्हें शेरिफ कार्ल और लेन डेप्यूटी मिलते हैं और यहां पर हमें थ्री टोज दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू है। ये वही है जो पिछले पार्ट में लास्ट सीन में एक छोटा बच्चा होता है और फिंगर फीड कर रहा बड़ा नहीं हुआ होता लेकिन ट्रैप सेट कर रहा होता है लेकिन वो खुद ही ट्रैप में आकर फंस जाता है और थ्री फिंगर आकर इसकी हेल्प करता है। फिर वो दोनों इस सेटअप को बिल्कुल सेट कर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी पर चल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर चढ़ते ही एक ट्रक इनका पीछा करने लग जाता है और वो थ्री फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में बार्ब वायर फंसा कर ट्रक के टायर को पंक्चर कर देता है जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतर कर इन्हें देखने जाता है लेकिन इस वक्त वो इन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर नेट इन सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर शैविस इससे गन छीन लेता है और इसी वक्त पीछे से पुलिस ऑफिसर प्रेस्लो आकर अपनी गन शैविस पर तान देता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता एक चाकू सीधा आकर इसकी गर्दन में घुस जाता है जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी ये समझते हैं कि ये सब कुछ शैविस के आदमी कर रहे हैं और तभी शैविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये शैविस के आदमी तो नहीं कर सकते। शैविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे जिस पर नेट इसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को पूरी तरह आग लग चुकी थी और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वॉटर भी इस बस के अंदर ही होता है और जब नेट वो चाबियां लेने के लिए इस बस के अंदर जाता है तो बिल्कुल ठीक वक्त पर वो वॉटर को बस से निकाल लेता है। नेट जो चाबी लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी लेकिन फिर भी शैविस इसको नहीं मारता क्योंकि इसे पता होता है कि सिर्फ नेट ही है जो इसको जंगल से बाहर निकाल सकता है। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और झाड़ियों में से एक लड़की आती है जो नेट पर अटैक कर देती है। वो लड़की एलेक्स थी जो इन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद इनको खा लेता है लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी जिस पर शैविस इन्हें इसकी लोकेशन तक ले जाने का कहता है। इसका बात करने का अंदाज रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था। वो इन्हें वहीं पर ले जाती है। इतने में इन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है जो पीछे से बिल्कुल लॉक थी। शैविस नेट को इसके कैब चेक करने के लिए भेजता है और वहां पर इसे इसकी एक चाबी और बंदूक मिल जाती है। वो गन वॉल्टर को दे देता है और जब वो बस को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि बस तो पैसों से पूरी भरी हुई है। इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और शैविस इन्हें दो दो बैग उठाकर वहां से जाने का कहता है। वो सब लोग दो बैग उठा लेते हैं लेकिन वॉल्टर जख्मी था। वो बैग उठा नहीं सकता था जिस पर शैविस इसे जबरदस्ती बैग उठाने का कहता है। मौका देखकर वॉल्टर शैविस को शूट करने लगता है लेकिन बदकिस्मती से इसमें गोलियां इसे माफ नहीं करता और वो सीधा इसके सर में गोली मार देता है जिस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था और आगे बढ़ने को कहता है। और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही इन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए इसका पांव एक ट्रैप पर आ जाता है लेकिन नेट इसे जल्दी से बचा लेता है। ये वही ट्रैप था जो थ्री टोज ने सेटअप किया होता है और वहां ही छुपकर बैठा होता है। तभी वो बाहर निकलकर आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है लेकिन शैविस इसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उनको बताती है कि ये
वो म्यूटेंट नहीं है। इस पर शैविस को एक आइडिया आता है, वो थ्री फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। जब थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँचता है तो उसको थ्री टोस का सर वहाँ पर एक लकड़ी पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है, यानी अब पहले से भी ज्यादा अपने होश खो बैठता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे शैविस फौरन पकड़ लेता है, जिस पर विली फौरन समझ जाता है कि ये इनके लिए बिछाया हुआ कोई ट्रैप है, और वो शैविस को आगे धकेल कर इसे बचा लेता है, जिसकी इसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है कि इसे अपनी ही जान देनी पड़ती है। और शैविस इसे इसको बचाने का ये बदला देता है कि वो इसकी टांग ही काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से विली इनके ग्रुप से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ डेप्यूटी लेन को दो दिन पहले मिसिंग हुए चार स्टूडेंट्स के मिसिंग होने की खबर मिल जाती है, और शेरिफ के पास नेट की भी अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफी फिक्रमंद हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है। वो इन लोगों को ढूंढने जाता है और लेन इन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढते जाती है। दूसरी तरफ वो एक पुरानी केबिन में जाते हैं, जहाँ पर कुछ टूल्स इनको मिलते हैं और वो इनकी मदद से अपनी जंजीरों को काट देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर थ्री फिंगर का ट्रक होता है। हालांकि इन सबको पता होता है कि ये इनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी शैविस जबरदस्ती एक कैदी क्रॉफर्ड को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर की ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर इसे बार्ब वायर में फंसा कर ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्रॉफर्ड को सड़क पर घसीटता है कि जब तक वो मर ना जाए। पीछे से मौका देखकर शैविस फ्लॉइड पर हमला कर देता है और तब नेट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। शैविस फ्लॉइड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। एक और कैदी इसे वहां पर वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। शेरिफ इस बस तक पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन शैविस को कहता है कि इन्हें पैसों को छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। शैविस इसकी बात मान लेता है और पैसों को कुछ देर के लिए वहां पर छोड़कर नेट को ढूंढने लगते हैं, और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। शैविस इसे मारने वाला होता है कि नेट इसे बताता है कि यहां पर एक वॉच टावर है, वहां पर हम किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शैविस इसे आखिरी मौका देता है और फिर वो इन सबको वहां पर लेकर जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह जलकर राख हो चुका है और इसे इन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहां पर कुछ ना मिलने पर शैविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग इसे पकड़ लेता है। शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहां पर पहुंच जाता है और इनको वहां से ले जाता है। तभी थ्री फिंगर दरख्त पर बैठा हुआ एक बाला नीचे फेंकता है, जो शेरिफ के मुंह में से आर पार हो जाता है। तभी शेरिफ शैविस की गन को छीन लेता है। वो नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर इसे ऑर्डर देता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन फ्लॉइड सारा पैसा लेकर वहां से भाग रहा होता है। और तभी शैविस को इसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लॉइड की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले थ्री फिंगर मोनोटोप फेंककर फ्लॉइड को जला देता है और वो इसके साथ अब सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक इनके सामने आ जाता है और इस मर्तबा शैविस एलेक्स को इसके सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को ही लेकर वहां से चला जाता है। नेट इसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन शैविस इसे पकड़ लेता है और अभी इसे शूट करने ही वाला होता है कि ब्रैंडन इसे मारकर बेहोश कर देता है और वो अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर में ले जाकर बांध देता है और वहां पर हमें डेप्यूटी की बॉडी भी नजर आती है। इससे पहले थ्री फिंगर इसे भी पकड़कर मार चुका होता, ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है। इतने में शैविस वहां पर आकर इसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है और इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। शैविस थ्री फिंगर को इतना मारता है कि इसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है। इसका चेहरा इतना बुरा बन जाता है कि वो पहचान में भी नहीं आता पहले से भी ज्यादा, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही शैविस पर भारी पड़ जाता है। वो इसकी खोपड़ी खोलकर इसका दिमाग ही खा लेता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। अनेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जो इसे एलेक्स के पास ले जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर वहां पर आकर इन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री टोस का सर रखा होता है, इसे पीछे से इसके अंदर घुसाकर इसे मार देती है और वो दोनों इसका ट्रक लेकर वहां से निकल रहा नहीं होता। वो फिर से इनके ट्रक के सामने आ जाता है और इनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे इनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाके दरख्त पर लगता है। ट्रक में आग लग जाती है और इतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से तो इनकी जान बख्शने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस मर्तबा नेट इसी का टूल उठाकर इसी में घुसा देता है और इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो इसे ट्रक पर भी दे मारता है और फौरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और इसके साथ ही थ्री फिंगर भी जल जाता है। ब्रैंडन नेट को आजाद कर देता है और इसे वहां
वहां से जाने देता है। कुछ देर बाद इनकी पूरी फौज वहां पर पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में वापस दोबारा वहां पर आता है, लेकिन कोई पीछे से इसे मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रैंडन था, जिस पर बिलीव करके इसने इसे रिहा कर दिया था। ब्रैंडन वो पैसे उठा लेता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहां पर पहुंच जाता है और इसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो म्यूटेंट कौन है, और आज तक ये सवाल बनकर ही रहा। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।